कितनी सुंदर लैंडस्केप है। तो हम लोग ऑलमोस्ट सतखारा पहुंच चुके हैं। As you can see, the Bahurani mode is on. Finally, हम अपने विलेज पहुंच गए और Hey guys, welcome back to Scene Snaps. तो हमारी जर्नी अब शुरू होगी बिहार से ना? पटना हमने चेकआउट कर दिया है और हम जाएंगे सतघारा जो हमारा गांव है। वहाँ की जो डिस्टेंस है वो है 200 किलोमीटर। तो यहाँ से हमें 5 घंटे लग जाएंगे जाने में। तो अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है, देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुँचने में। जैसा हमने कहा था कि हम लोग रात में आपको गंगा मैया नहीं दिखा पाए थे, तो अभी मैं आपको दर्शन करा देती हूँ क्योंकि हम पटना से अब हमारे होम विलेज जा रहे हैं जो कि है सतघारा। तो इसलिए थोड़ा देसी लुक फॉर टुडे और मैं आपको तब तक गई गंगा मैया के दर्शन कराती हूँ। कितनी विशाल नदी है, जितना विशाल गंगा मैया का हृदय उतनी ही विशाल गंगा मैया है यहाँ पर। अभी मॉनसून आ गया है तो फ्लो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट अभी फिर भी आपको यहाँ पे बीच में पैचेस दिख रहे हैं, बट अदरवाइज पूरा छठ के टाइम तक मॉनसून अगर और अभी आता है तो ये पूरा फिल हो जाएगा। देखिए कितनी दूर का, इसलिए ये एशिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है क्योंकि पूरा ये गंगा मैया को कवर करता है और कनेक्ट करता है हाजीपुर और पटना को। तो हम भी मिलके दर्शन कर लेते हैं गंगा मैया का। जय, हमने अभी अभी मुजफ्फरपुर क्रॉस किया है और अभी हम जो जा रहे हैं सतघारा हमारे होम विलेज, तो रास्ते में ये एक बहुत ही सुंदर गंडक नदी पड़ती है। अभी ज़्यादा पानी तो नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ अगर हम आपको विजिबल हो। हम थोड़ा मिड से जा रहे हैं, शायद विजिबल नहीं होगा अभी, उतना वाटर फ्लो है नहीं, बट मॉनसून आ गया है तो धीरे धीरे शायद काफ़ी पानी यहाँ भी हो जाएगा। ये गंडक नदी है, मुजफ्फरपुर से अभी हमने क्रॉस की है और बीच में बारिश हो गई थी तो व्यू देखे तो बहुत ही सुंदर व्यू हो गया है। बाहर का वेदर, द लैंडस्केप, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। तो यही ब्यूटी है बिहार की, आप देखिए कितनी ग्रीनरी है, इतना अच्छा वेदर है कि देख के बिल्कुल लगता है कि हम यहीं रह जाएं। सो हम बस इसी सीनरी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ से अप्रॉक्स 70 किलोमीटर्स और डिस्टेंस हमें कवर करना है हमारे गांव पहुँचने के लिए, तो हम वहाँ पहुँचेंगे। बीच में और ब्यूटीफुल सीनरीज आएंगी तो हम आपको दिखाएंगे। बाकी ट्रिप हम एंजॉय कर रहे हैं और आपको अपडेट।
ये देखिए ये बागमती रिवर है, ये उधर से आ रही है, काफी अच्छा फ्लो है इसमें। और आप बिहार आएंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी कोसी, गंडक, बागमती, कमला नदी, ऐसी बहुत सारी नदियाँ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जो जिनकी वजह से पूरा यहाँ इतनी जो ग्रीनरी है, एग्रीकल्चर है, उन सबकी सोर्सेज यही है। मानसून में थोड़ा वाटर फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है, जो जिसकी वजह से कभी कभी फ्लड आते हैं, बट अदरवाइज यही है जिनकी वजह से इतनी ग्रीनरी यहाँ पे मेंटेन्ड है और ये मेन सोर्स है यहाँ के लिविंग का। तो बस हम भी यही व्यूज़ को एंजॉय करते हुए बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हम क्रॉस करेंगे आपको बताते जाएंगे। मेन हमारी एक फेमस कमला नदी आती है, जब हम अपने विलेज पहुंचेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। कमला नदी है, वहाँ डैम है, जिसके बाद हम अपने गांव पहुंचेंगे। तो लेट्स सी, हम वो डैम जैसे ही पहुँचेंगे हम बताएंगे। और यहाँ पे इस टाइप के अगर आप देखें तो ऐसे पॉन्ड्स भी बहुत मिलेंगे, ये ऐसे लेक्स हैं जो हमारे मैथिली में हम उन्हें पोखर बोलते हैं। तो जनरली विलेज में आपको कहीं ना कहीं पोखर मिलेंगे, तो ये भी यहाँ का है कि मतलब एक गांव में एक पोखर तो होता ही होता है। तो वही लेक्स भी हैं जो ब्यूटी और ऐड करते हैं, जहाँ पे फिशेस भी होती हैं और बहुत अच्छे अच्छे कल्टीवेशन होते हैं प्लांट्स के, और आसपास में इतनी अच्छी ग्रीनरी रहती है। और बाकी तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, जब आपको केले के और आम के पेड़ दिखने लग जाए तो इसका मतलब आप पहुँच गए हैं बिहार। तो हम भी बस वही आम के पेड़ों का व्यू एंजॉय कर रहे हैं और कुछ देर में हम पहुँचेंगे दरभंगा। तो लेट्स सी, आई गेस अराउंड 20-25 किलोमीटर्स अभी हैं, दरभंगा पहुँचेंगे, फिर मधुबनी और फिर हम आगे सतकारा पहुँचेंगे। तो पहुँच गया और इनफैक्ट दरभंगा से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अब हमें जो जाना है वो है सतकारा, जो हम मधुबनी होते हुए जाएंगे, और जो टोटल डिस्टेंस दिखा रहा है वो है 36 किलोमीटर। अभी भी हम नेशनल हाईवे 27 में ही ट्रैवल कर रहे हैं और अभी जो नेक्स्ट कट होगा जहाँ से हमें मुड़ना होगा वो है 35 किलोमीटर के बाद, तो वहाँ से हम मधुबनी के लिए मुड़ेंगे। फिलहाल जो लैंडस्केप है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर लैंडस्केप है और वेदर भी हमें पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। तो मज़ा आ रहा है ड्राइविंग में, बच्चों को बिहान को ही मज़ा आ रहा है, सबको मज़ा आ रहा है। और जो ETA है वो है 3 बजे, 3:30, 3:15 बजे का ETA दिखा रहा है, तो होपफुली उससे पहले ही पहुँच जाना चाहिए, लेकिन हम 3:15 बजे का ETA लेके चल रहे हैं। वो ये देखिए, वो नैरो रास्ता, ये है कमला नदी, ऐसा है रास्ता। ये देखिए गाइस, कितनी सुंदर लैंडस्केप है, ऐसा लग रहा है कि किसी फॉरेन कंट्री में कोई आ गया। ये देखिए, और ये रोड जो है ये हमें पिपरा घाट लेके जाएगी, जो मधुबनी से कनेक्ट करेगा हमें। ये देखिए, हम काफ़ी टाइम से इसी रोड पे पैरेलल चल रहे हैं और ये कमला नदी के बिल्कुल पैरेलल डैम पे जो रोड बना है वो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। और ये देखिए, अभी बारिश के पानी से कितना पूरा फुल फ्लो है कमला नदी का, और हम अप्रॉक्स 10-12 किलोमीटर आ गए होंगे। अभी फर्दर और हमें कुछ किलोमीटर और जाना है
और ये देखिए नदी, हम बिल्कुल नदी को ही फॉलो कर रहे हैं। पूरा दलदल है नदी। यहीं पे जब अभी ज़्यादा फ्लो आ जाता है तो ये पूरा रोड भी कवर हो जाता है, इतना इसमें फ्लो आ जाता है। ये देखिए जहाँ तक देख रहे हैं सिर्फ नदी, और बहुत ही डीप हो गई है नदी यहाँ पे। कमला नदी बहुत डीप मान जाती है, बिल्कुल यहाँ साथ साथ ही चल रही है। ये देखिए मेला लगता है, अभी तो कम है फिर भी कंपैरेटिवली, बट अगर आप इसे नेक्स्ट मंथ तक देखेंगे तो काफी फुल फ्लो में रहेगी ये रिवर। इसीलिए उसका, और ये उसके साइड बाय साइड जो लोगों ने अपने घर बना रखे हैं, यहाँ पे ऐसे आपको घर मिलेंगे मड मड के जो होते हैं। देखिए यहाँ के रिहायशी हैं। तो हम लोग ऑलमोस्ट सतखारा पहुँच चुके हैं। एज यू कैन सी दी बहुरानी मोड इज ऑन। तो मैं आपको एक झलक दिखा दूँ कि यहाँ की विलेज वाइब कैसी है रोड की। और वो ये देखिए हम अब इंटरनल रोड में हैं जो हमें सीधे हमारे होम विलेज पहुँचाएगी। और ये हमें बाय चांस हमें कोई मिल गए थे जो उसी गांव के हैं, तो वो हमें थोड़ा नेविगेट कर रहे हैं कि हमें किस रूट पे जाना है। देखिए ये रोड तो ठीक है वैसे, रोड ये लोग तो मैथिली बोलता होगा ना। हाँ, सब के लिए गाँव के घर। और वो पूरी आ रही है कि हम गाँव फाइनली पहुँच गए, मैं अपने ससुराल आ गई हूँ। हाय गाइस, फाइनली हम अपने विलेज पहुँच गए और